ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿರೋದೇ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕು. एक कहानी है, लव स्टोरी विद माफिया है. ये लव गुरु FF14 क्यों ये फिल्म का नाम रखा हूँ, मतलब वो एक इसमें सस्पेंस है कि 14 फेब के दिन क्या होता है बोल के, वही माफिया को लिंक होती है. ये माफिया को लिंक होने के बाद क्या होगा, वही एक सब्जेक्ट है. ये मूवी आके बैंगलोर और मैसूर और ऊटी से बाहर भी हम लोग जाके ये शूट करके हैं. तो ये शेड्यूल ला के मैंने ऑलमोस्ट 25 डेज शूट किया हूँ. अभी इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. तो इंशाल्लाह ये मूवी मैं ईद के बाद मैं रिलीज़ करने का प्लान है. इंशाल्लाह मैं उस टाइम पे मैं अनाउंस करूँगा कि डेट क्या बोल के. कैरेक्टर तो हैं, एक मेन कैरेक्टर तो एक 6 कैरेक्टर मेन आएगा, उसके बाद सिमिलर कैरेक्टर भी बहुत आएंगे इसमें. जैसा कि माफिया है तो कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं इसमें. और ये फिल्म बनाने का मकसद क्या है, अभी मेरे को तौखीर साहब प्रोड्यूसर हमारे इनक्रेज करें कि एक अच्छी मूवी बनाएंगे कन्नड़ा फिल्म में. और आप तो ऑलरेडी सैंडलवुड में वन ऑफ द गनमास्टर होकर वर्क कर रहे हो, तो मेरे को अप्रोच किया बनाओ साहिल भाई बोल के. तो ये वेब सीरीज जैसा ये मूवी बनाया हूँ मैं. जैसा कि बड़ी मूवी जैसे मेकिंग है ऐसे ही मेकिंग में बना के हूँ. इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मूवी एक बड़ी मूवी करना बोल के प्लान में हूँ. इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा. क्या ये बजट आके सर 15-20 तक जाएगा ये बजट. नेक्स्ट बजट तो इंशाल्लाह बड़ा बजट ही रहेगा. हीरोइन आके अलीना बोल के हैं और हीरो आके अयास करके हैं. और एक इसमें और एक यूनिक रोल आएगा जो मास हीरो जैसा आएगा. तो उनका कैरेक्टर का नाम है KGF रॉक बोल के. तो एक कन्नड़ मूवी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो, KGF में कर चुके हैं. लीड कैरेक्टर है, पहला KGF जो आया है उसमें. तो इस मूवी में एक मास कैरेक्टर जैसे यूनिक कैरेक्टर करके हैं. जो लव स्टोरी चलती रहती है लड़का लड़की में, उससे क्या हो सकता है और ये लिंक कैसे माफिया को जाती है, तो यही एक स्टोरी है इस सब्जेक्ट का. गाना मतलब एक बिट सॉन्ग टाइप एक गाना ही आएगा. क्यों बोला तो ये वेब सीरीज के टाइप में बना के हूँ मैं. तो ड्यूरेशन ऑलमोस्ट एक 40-45 मिनट्स तक ड्यूरेशन रहेगा इसका. फाइट मतलब फाइट नहीं है इसमें, एक्शन सीक्वेंस जैसा है. फाइट जैसा एक्शन दिखता है आपको, तो डायरेक्ट फाइट नहीं है इसमें, एक्शन सीक्वेंस है. जैसा कि शूट आउट है माफिया, वो भाईगिरी, ये भाईगिरी, ऐसा कुछ एक्शन सीक्वेंस रखा हूँ मैं. सर इससे पहले मैं इधर के कर्नाटक में कन्नड़ा फिल्म में मैं सैंडलवुड पे ऑलरेडी मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर और वन ऑफ द हीरो करके एक ऑलरेडी बना चुका हूँ मूवी. तो उससे मेरे को वो मूवी बाहर नहीं आई. तो उससे पहले एक मूवी बनाया था मैं, प्रोड्यूसर आके दूसरे थे, उसमें मैंने कैरेक्टर किया था. फर्स्ट मूवी आके मैं एक्टिंग किया, जो गुंडर गोवी बोल के एक सिनेमा है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है. तो ऑलरेडी वो हो गया 7-8 ईयर्स पहले कर चुका हूँ मैं. तो और एक मूवी में ओन प्रोड्यूस मैं किया हूँ और ओन हीरो किया हूँ. उसमें डबल हीरो का कैरेक्टर है मैं और एक है. तो वो मूवी में अपना प्रोडक्शन है, खुद का प्रोडक्शन है, आफरीन फिल्म प्रोडक्शन बोल के खुद का प्रोडक्शन है. उसमें काम किया हूँ मैं. और नेक्स्ट और एक मूवी बनाए हम लोग आफरीन फिल्म प्रोडक्शन में, वो भी लोकल बोल के. उसमें मयूर पटेल हीरो है हमारा और एक आर्या महेश बोल के डायरेक्टर किए हैं. उसमें भी काम किया हूँ मैं, विलन का किया हूँ उसमें, मेन विलन का काम किरदार निभाया हूँ. तो वो मूवी अभी तक लॉन्च नहीं हुई,
तो रहता ना सर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है वो वजह से वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई, देखेंगे इंशाल्लाह। ये करने के बाद मेरे को भी सब लोग अप्रोच कर रहे हैं कि डायरेक्शन करो, अच्छा करके हैं, ट्रेलर सब अच्छा बनाए हैं, तो वो हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं कि डायरेक्शन तुम खुद करो, हम लोग पैसा लगाते हैं बोल के। तो वो इसमें वो बेस पे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी बनाने का प्लान है। ये फिल्म में मेरा एक स्पेशल ऑफिसर का एक रोल है जो एसीपी के साथ रहेगा, तो एक कॉमेडी ऑफिसर जैसे एक कैरेक्टर करता है ऐसा कैरेक्टर मैं एक करके हूँ, एक छोटा सा कैरेक्टर करके हूँ। तो इस फिल्म में मैंने मार्केट मंजा का रोल किया है, थोड़ा फिल्म है, इसमें विलन का रोल मैंने निभाया है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। इस मूवी को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लिंक बढ़ाएं, क्योंकि इस फिल्म में डायरेक्टर साहब की मैं बहुत मेहनत लगी है और सभी की मेहनत लगी है, हम सब भाई मिलके बनाए हैं और मैं खुद प्रोड्यूसर नहीं हूँ, हम सब ने शेयर करके एक मूवी बनाई है और हमने सब मिलके काम किया है और ये मुझे अपोजिट मुझे रखा है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा मेन रोल रखा है। के टाइम पे मेरा काम थोड़ा हल्का सा था, उसके बाद मैंने डायरेक्टर साहब को देख के मैंने सीखा एक्टिंग किस तरह की जाती है और मैंने मेहनत की और उस पर रिहर्सल करके मैंने काम किया, फिल्मों में काम किया है, थोड़ा एक्सपीरियंस की वजह से मैंने मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, मैंने आसानी से इस काम को पूरा किया। पहली फिल्म कहाँ थी? हिंदी थी, कन्नड़ा थी, मैंने कि उसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं मिला था इसलिए मैंने 10 साल पीछे छोड़ दिया और उसके बाद मुझे कहानी अच्छी लगी और डायरेक्टर साहब ने मुझे समझाया इसमें कीजिए, इसलिए मैंने इसमें मेहनत की। फर्स्ट ऑफ लक करती हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बस करने आता है वो, बाय मिस्टेक कुछ सीन हो जाता है वो। कैरेक्टर का एक यूनिक है, मैंने भी किया था पहले, पहला मूवी KGF किया था उसमें गैंगबस मेन विलन, इसके बाद में साहिल भैया मिले गन मास्टर हैं वो, जो मिलके हमारे एक टीम बनाए मास्टर विंग्स बोल के, वो मास्टर विंग्स में बेंगलोर बॉयस, मंड्या बॉयस, बहुत सारे बॉयस मिलके एक स्टंट होके ये मूवी लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब देखो, पसंद आएगी, स्पेशली लवर्स के वास्ते बहुत अच्छी दिखती है मूवी है, एक सब्जेक्ट है, इसमें एक मैसेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना बोल को, वो जो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हुआ तो उन्हें क्या रिश्ते तक जा सकता, ऐसा होके पूरा है। इसमें हमारा यूनिक कैरेक्टर है, इस मूवी का ट्विस्ट ही मैं ही हूँ। मैं बोले तो डायलॉग्स का थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे को, हमारे जो गंगास्टर है ना वो वर्कशॉप करें, वर्कशॉप करके जैसे हीरोइन भी फ्रेशर है उनको भी वर्कशॉप किए, उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेशर्स हैं उनको सब ट्रेन करके ये हमको लेकर के इधर तक खड़ा है। इंशाल्लाह इसके बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। मैं एक डायलॉग बहुत पसंद आया मेरे को, वो है ई सला वैलेंटाइंस डेगे प्रपोज नाने निंग माड़ो अदनागदे नोड़े बिड़ोदा। 9 ईयर्स से काम कर रहा हूँ फिल्म में, स्टार्टिंग श्री चक्रम से आया हूँ मैं, नागराज सर से मैं यहाँ तक आया, फिर अब हमारे साहिल भाई मिले गन मास्टर, अभी उन्होंने लीड रोल दिए है मेरे को, फर्स्ट टाइम अच्छा लगा मेरे को काम करके। और इसमें मैं शिवाजी नगर बच्चन का किरदार निभाया है, एक डॉन का किरदार निभाया हूँ। मार्केट मंजा बोल के एक विलन है, उनको मैं अपोजिट एक लीड रोल के हिसाब से उनको मैं काम किया है उसमें। उसमें ये डायलॉग है कि ए मार्केट मंजा निम्म एरिया हुड़गुरु बंदी नम एरिया बंदी दंधे खराब मारता इधर है, पहली बार करे हैं हमारे साहिल भी गन मास्टर, इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ मैं कि अच्छा कैरेक्टर दिया है मेरे को और हमारी पूरी टीम ने अच्छा काम किया है, इसलिए सब मिलके भाइयाँ हम मिलकर काम कर चुके हैं और बेंगलोर फ्रेंड्स करके हैं, मैसूर के फ्रेंड्स करें, मंड्या के फ्रेंड्स करें, पूरे मिल के एक फ्रेंड सर्कल बना के काम किया है हमने। माने वाला है लव गुरु 14 बोल के, उसमें विलन का काम करके हूँ, अच्छा दिखा। और हमारे साहिल भी है ना, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमने पहली बार मैं फिल्म में आके हूँ तो हमने रोल दिया है उन्होंने पहली बार, तो मैं अच्छा है किरदार निभाया हूँ। डायरेक्टर साहब साहिल मिस्टर है, मुझे एक्टिंग करने का बहुत पसंद था, वैसे एक मीट हुई उसमें मुझे एक कलर दिया उन्होंने बनाने का पिक्चर का एक्शन, मुझे अच्छा दिखा पिक्चर, मैं शूटिंग करने में बहुत अच्छा दिखा, ये कलर करने मुझे दिन कन्फ्यूज कर लिया, फिर भी भाई बोले मेरे को सपोर्ट करे, बहुत अच्छा दिखा मुझे इसमें, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे शायद। लव गुरु 14 फेब कमिंग सून।
आज अगर या